हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, नई एक नए प्लांट के साथ। जी हाँ, यह हमारे बगिया में एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है गमले में, जो बहुत ही प्यारा प्लांट है। और ये प्लांट, इस प्लांट में, छोटे से प्लांट में ही देखिए कितने बढ़िया फूल आ चुके हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, छोटा सा गमला है, ज़्यादा बड़ा गमला भी नहीं है, मतलब छोटा ही पॉट है। और इसकी मिट्टी देखिए कितनी अच्छी और भुरभुरी मिट्टी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरी सी मिट्टी है। हमें इसमें, इसे ज़्यादा मतलब सख्त मिट्टी नहीं रखना अगर इस प्लांट को हमने लगाना है तो। ये नींबू का प्लांट है, लेमन ट्री है छोटा सा। और इसमें ये देखिए मिट्टी, ये घर में ही मैंने तैयार की हुई है मिट्टी को। और इसमें कंपोस्ट भी मैंने घर की ही बनाकर डाली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं घर पर कंपोस्ट किस तरह से तैयार करती हूँ। और इसकी देखिए छोटा सा ही प्लांट बन गया है। और इसमें देखिए पत्ते कितने बढ़िया, फूल कितने अच्छे खिलकर आ रहे हैं। मैंने सोचा आज आपके साथ मैं ये शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, छोटे से प्लांट में ही कितने बढ़िया फूल लगे हैं और कितने सारे फूल लगे हैं। ये देखिए, लास्ट टाइम इसमें 5-6 नींबू लगे थे और बाकी भर गया था ये फूलों से, बट इसके सारे फूल झड़ गए थे। और इस बार जो इसमें जो ये फूल लगे हैं, इसमें अब इस बार नींबू बहुत ज़्यादा लगेंगे, मुझे तो ये सभी यही कह रहे हैं। और ये देखिए कितने अच्छे इसमें फूल लग चुके हैं, ये सभी नींबू बनेंगे और छोटे से प्लांट में ही नींबू भर कर लगने वाले हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ इस प्लांट को मैं शेयर करूँ। ये देखिए, और इसे अभी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ, छोटा सा प्लांट मैं लेकर आई थी जब मैंने इसे गमले में लगाया था। और बहुत ही अच्छी खाद बनाकर मैंने इसे तैयार किया है। और अभी बहुत छोटे छोटे इसमें फूल लग रहे हैं, अभी मतलब स्टार्ट भी नहीं हुआ है फूल, और वो खिल रहे हैं। ये देखिए, जो भी नए नए पत्ते आएंगे उनके साथ ही ये फूल लगेंगे और ये प्लांट पूरा भर जाएगा। उस समय भी मैं आपको ये दिखाऊंगी जब ये बिल्कुल सारा अच्छी तरह से फूलों से भर जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग ही है इसकी, पर मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं इसमें पानी डाल रही थी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे अभी नीचे भी फूल लगने शुरू हो चुके हैं इसके। और मिट्टी इसकी बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स, मिट्टी मैंने घर पर ही तैयार की है इसकी, मतलब कि जो कंपोस्ट मैंने तैयार की है वो सब्जियों के जो छिलके होते हैं, फलों के छिलके होते हैं और सूखे पत्ते होते हैं, ये सब उन्हीं के साथ मैंने इन्हें तैयार किया है। मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ अपना, किचन गार्डन। तो आपको ये मेरा प्लांट कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएं। तो आपको मैं इसके और भी अच्छी तरह से जब इसमें फूल आएंगे तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक और बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।